मॉर्निंग स्टूडेंट, असी तिरंगा कविता विचले तीन पैरियां दी व्याख्या कर चुके हाँ। हुण असी अगले रहिंदे होए तीन पैरियां दी व्याख्या करांगे। पहला असी इन्हां दे संकेत बारे जानकारी प्राप्त करांगे। सो प्यारे बच्चियो, तिरंगा कविता विचला चौथा पैरा भाव चौथा संकेत साडा चंडा चुलदा तो लैके जिंदगानी वे तक दा होवेगा। अते पंजवां संकेत साडा केसरी रंग तो लैके रवानी वे तक दा होवेगा। अखीरला पैरा भाव साडा अखीरला संकेत कुर्बानिया तो लैके जवानी वे तक दा होवेगा। हुण असी इन्हां तिन्ना भाव चौथा पंजवां ते छेवें पैरे दी व्याख्या करांगे। सो प्यारे बच्चियो, असी पहला चौथे पैरे नू पढ़ांगे, फिर इसकी व्याख्या करांगे। चंडा चुलदा रहे हमेशा देश दी ए शान है, रहनी बहनी बोली वखरी साडा देश महान है। इसनू कदे भी चुकन नहीं देना, भारत दी जिंदगानी वे तीन रंगां दा झंडा साडा चुल्ले विच असमानी वे। इन्हां का सत्रां विच कवित्री मनजीत कौर अंबालवी जी लिखते हैं कि यह तिरंगा साडे देश दी शान है, क्योंकि इस देश विच भांत भांत भाव वख वख तरह के लोग रहिंदे हन, जिन्हां दी भाषा भाव बोली भी वक्री वक्री है। इसलिए साडा देश बहुत ही महान मन्या जांदा है। इस विच कवित्री लिखदी है कि ए साडे देश दी भाव साडे भारत दी जिंदगानी है, भाव जिंद जान है। इसलिए ए हमेशा आसमाना विच लहराउंदा रहे अते कदे भी सानू इस तरह दा कोई काम नहीं करना चाहिदा है जिस नाल ए झंडा झुक जावे, भाव इस दी आन ते शान ते कोई बदनामी दा दाग लग जावे। सानू हमेशा ही इस दी जिंदगानी बन के रहना चाहिदा है, इस झंडे नू हमेशा झूलदे ही रखना चाहिदा है। केसरी रंग कुर्बानी दा याद रखना चाहिदा, चिट्टा रंग अमन शांति दा, घर घर विच रोशनाई दा, हरा रंग खुशहाली वाला, सबनू खुशियां वहन वाला, अशोक चक्र है तरक्की दा चिन्ह, चले नाल रवानी वे, तीन रंगां दा झंडा साडा चुल्ले विच असमानी वे। इस पैरे विच कवित्री लिखदी है कि तीन रंगां दा झंडा भाव केसरी चिट्टा ते हरा, इस दी अपनी वक्री वक्री महत्ता है। इस विचला केसरी रंग शहीदां दे बलिदान दा प्रतीक है, क्योंकि शहीदां ने इस तिरंगे दी आन ते शान नू कायम रखन लई शहीदियां दित्तियां सन, जिन्हां नू सानू हमेशा ही याद रखना चाहिदा है। इस विच चिट्टा रंग अमन शांति दा प्रतीक है कि देश विच हमेशा ही सानू शांति बनाई रखनी चाहिदी है। ते इस विचला हरा रंग खुशहाली दा चिन्ह है, क्योंकि जेकर देश खुशहाल रहेगा तां इह तरक्की करेगा। अते इस विचला अशोक चक्कर तरक्की दा प्रतीक है, भाव इस विचला नीला रंग तरक्की दी राह ते तुरन दा सानू सुनेहा दिंदा है। इस विचले भाव तिरंगे विचले तिन्ने रंग सानू वख वख सुनेहा दिंदे हन। कुर्बानियां दी राह ते चल के झंडा असी झुलाया है, लहू जिगर दा सिंज के इसनू दुनिया विच चमकाया है, ला दित्ती असाने अपनी इस दे लई जवानी वे, तीन रंगां दा झंडा साडा झुल्ले विच असमानी वे। इस अखीरले पैरे विच कवित्री लिखदी है कि
इस झंडे की मां नू कायम रखन लई कई नौजवानां नू कुर्बानी दे राह ते चलना पिया है, भाव इस झंडे नू लहराउण लई तरक्की ते राह ते चलाउण लई कई शहीदां ने अपनियां कुर्बानियां दित्तियां हन ते कई महान देश भगतां ने कुर्बानियां दे के इस झंडे नू पूरी दुनिया विच बरकरार कीता है। भारत दे महान देश भगतां ने अपनियां जवानियां इस तिरंगे लेखे ला दित्ती है, इसलिए तीन रंगां दा झंडा साडे देश दी शान है, भाव कई देश भगतां दीआं जवानियां ने इस झंडे नूं तरक्की दे राह ते लहराया है। सो प्यारे विद्यार्थियो, ये सन साडे पैरियां दी व्याख्या। हुण असी इन्हां पैरियां विचले भाव इन्हां पैरियां नूं लिखण तों पहलां जो प्रसंग लिखदे हाँ उस बारे जानकारी प्राप्त करांगे। सो प्यारे विद्यार्थियो, पहला असी हैडिंग पावांगे प्रसंग सहित व्याख्या, फिर तुसी एक एक पैरे दा संकेत लिखोगे ते प्रसंग साडा हर एक कविता दे पैरे दे नाल सेम ही जावेगा, भाव ये प्रसंग साडा कॉमन होवेगा। हुण प्रसंग देखो, ये काव टोटा साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक सर्व पंजाबी पाठ माला भाग 6 विच दर्ज कविता तिरंगा विचों लिया गया है। इस दी कवित्री मनजीत कौर अंबालवी जी हन जिन्ना ने तिरंगे दी शान भाव तीन रंगा दी महत्ता नू बयान कीता है ते इस विचले तिन्ना रंगा दी महत्ता दसदे होए शहीदां दी कुर्बानी नू याद रखण लई कहा है। सो प्यारे बच्चियो, पहला तुसी संकेत देवोगे, फिर तुसी प्रसंग दसोगे ते उस तों बाद एक एक पैरे दी व्याख्या लिखोगे। आस है तुहानू इस दी समझ आ गई होवेगी ते तुसी हुण इसनू चंगी तरह याद भी कर लेना है ते आप